नमस्ते, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब आप खुद को या किसी और को इस बीमारी से ठीक करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, ये आप कर पाओगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बीमारी के पीछे कारण यानी कौन सी सोच, कैसे विचार या भावनाएं जिम्मेवार है, और उस नेगेटिव भावनाओं की जगह कैसी पॉजिटिव फीलिंग्स या सकारात्मक सोच या पॉजिटिव विचार करना है, यह आप जानेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो सीरीज का इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए, यू कैन हील योर बॉडी, जिसकी लिंक यहाँ दी है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज के अफर्मेशंस की, जिसे आपको लगातार एक महीना करना है पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। रिपीटेडली बार बार आप इसे करते रहें। आपको सुबह उठते ही तुरंत और रात को सोने से जस्ट पहले आँख बंद करके बैठना है और इस अफर्मेशंस को मन ही मन रटते रहना है। साथ ही पॉजिटिव फीलिंग्स भी लाने की कोशिश करें, जैसे कि ध्यान में मेडिटेशन में बैठे हो वैसे बैठकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यानी अफर्मेशंस को दोहराओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और बाकी पूरे दिन भी कभी भी कहीं भी आप इसे मन ही मन बोल सकते हो या एक डायरी बनाकर रोज़ 21 बार इसे लिख भी सकते हो। केवल छोटी छोटी बीमारी ही नहीं, बड़ी से बड़ी बीमारी भी हम हमारे पॉजिटिव विचारधारा से दूर कर सकते हैं। जैसे कि एड्स की समस्या किसी को है तो उसके पीछे कारण असहाय और निराश महसूस करना, कोई ख्याल नहीं रखता, अच्छा न होने की सशक्त धारणा, अपने आप को नकारना, यौन संबंधी अपराध बोध गिल्ट। उपाय, नई विचार प्रक्रिया, मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, जीवन मुझे प्यार करता है, मैं शक्तिशाली और सक्षम हूँ, मैं खुद को प्रेम करता हूँ, खुद की सराहना अप्रिशिएट करता हूँ।